गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम नेमिंग वर्ड्स के बारे में जानेंगे कि नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं। बच्चों, आपको पता है नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? बच्चों, नेमिंग वर्ड्स वे होते हैं जो किसी को इंडिकेट करते हैं, मीन्स मतलब किसी को प्रदर्शित करते हैं कि वे कौन हैं। तो चलिए इसको हम एक डेफिनेशन की हेल्प से और अच्छे से समझते हैं। आपकी डेफिनेशन है नेम्स ऑफ पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस एंड थिंग्स आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स। द्वारा से नेम्स ऑफ पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस एंड थिंग्स आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स। इसका मतलब है वे शब्द जो किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान और वस्तु के बारे में बताते हैं, वे क्या कहलाते हैं? नेमिंग वर्ड्स। क्या कहलाते हैं? नेमिंग वर्ड्स। अब आगे चलते हैं। नेमिंग वर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड नाउंस। द्वारा से नेमिंग वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड नाउंस। इसका मतलब है नेमिंग वर्ड्स को हम नाउंस भी कह सकते हैं। यदि कहीं किसी जगह पर नेमिंग वर्ड्स की जगह नाउंस लिखा आ जाए तो हम क्या सोचेंगे कि वो क्या है? नेमिंग वर्ड्स। और अगर नाउंस की जगह नेमिंग वर्ड्स लिखा आ जाए तब वे क्या होंगे? नाउंस। हम नेमिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं और नाउंस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नाउंस भी कह सकते हैं। चलिए इनको हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से और अच्छे से समझते हैं। बच्चों, नेमिंग वर्ड्स को यहाँ पर फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स। द्वारा से पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स। पीपल में कौन कौन दिया गया है? गर्ल, बॉय, टीचर। यहाँ पर क्या क्या दिया गया है? गर्ल, बॉय, टीचर। यहाँ पर हम मदर भी कह सकते हैं, फादर है, ग्रैंडफादर है, ऐसा जो ये बता लगाए कि वे कौन हैं, किसी व्यक्ति का नेम है ना, ये सब हमारे क्या हो गए? पीपल। ऐसे ही प्लेसेस में क्या क्या दिया गया है? यहाँ पर सिटी, प्लेग्राउंड जहाँ पर हम खेलते हैं, स्कूल जहाँ पर हम पढ़ते हैं, ऐसे यहाँ पर बैंक जहाँ पर हम पैसा जमा भी करते हैं, निकालते भी हैं, गार्डन, विलेज, ETC। बच्चों, आपको ये दोनों अच्छे से समझ में आए? चलिए अब हम एनिमल्स एंड थिंग्स के बारे में भी अच्छे से समझते हैं। एनिमल्स में आपको क्या क्या दिया गया है? कैट, डॉग, डक, ऐसे एनिमल्स के बारे में तो आप बहुत जानते हैं कि एनिमल्स कौन कौन से हैं। हम उसमें काउ भी कह सकते हैं, बफेलो भी कह सकते हैं, मंकी, लायन, ETC, है ना, आपने ये सभी जानवर तो देखे होंगे। अब चलिए हम थिंग्स के बारे में भी जानते हैं। यहाँ पर क्या क्या दिया गया है? सॉक्स, केक, वॉच। क्या क्या दिया गया है? सॉक्स, केक एंड वॉच। और बताइए और कौन कौन सी थिंग्स हैं? बताइए कौन कौन सी थिंग्स हैं? जैसे फ्लावर भी हो सकते हैं, है ना, नोटबुक भी हो सकती है, पेन भी हो सकता है, है ना, ऐसी बहुत सी चीज़ें भी थिंग्स हो सकती हैं। तो बच्चों, इसको हम आगे एक स्टोरी की हेल्प से समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग द पिक्चर स्टोरी। यहाँ पर एक आपको पिक्चर स्टोरी दी गई है, ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। दिस इज अ गर्ल। ये आपको इसमें एक गर्ल दिखाई दे रही है। हर नेम इज जिया। उसका क्या नेम है? जिया। इसका, इस गर्ल का क्या नेम है? जिया। चलिए आगे। सी हैज अ डॉग। क्या है उसके पास? देखिए ये जिया है ना, जिया के पास क्या है? ये
डॉग, द डॉग इज कॉल्ड ब्रूनो. क्या है? द डॉग इज कॉल्ड ब्रूनो. जिया के पास जो डॉग है उस डॉग का क्या नेम है? ब्रूनो. क्या नेम है? ब्रूनो. तो चलिए, दे लिव इन अ विलेज. वे कहाँ रहते हैं? विलेज मीन्स गांव में. देयर विलेज इज कॉल्ड मंडी. उनके विलेज का क्या नेम है? मंडी. जैसे ये आपको एक दिखाई दे रही है ये पिक्चर, इसमें क्या है? ये विलेज है. विलेज में कौन रहता है? जिया और ब्रूनो. ठीक है, और उस विलेज का क्या नेम है? मंडी. क्या नेम है? मंडी. तो अब हम इसके एक्सप्लेनेशन को और अच्छे से समझते हैं. तो बच्चों, हम इसके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं. हियर गर्ल, जिया, डॉग, ब्रूनो, विलेज एंड मंडी आर नेमिंग वर्ड्स. क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये गर्ल, जिया, डॉग, ब्रूनो, विलेज एंड मंडी किसी को इंडिकेट कर रहे हैं. तो ये हमारे क्या हुए? नेमिंग वर्ड्स मीन्स नाउंस हुए. तो वी सी दैट ऑल पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स हैव अ नेम. तो इसमें हम क्या देखते हैं कि सभी व्यक्ति, स्थान, जानवर और वस्तुओं के कोई ना कोई नेम होते हैं जिसको, जिनसे हम उनको पहचानते हैं. तो वे हमारे क्या हुए? नेमिंग वर्ड्स. क्या हुए? नेमिंग वर्ड्स. तो चलिए अब हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं. कंप्लीट दिस टेबल विथ नेमिंग वर्ड्स. ये आपको टेबल दिए गए हैं, इसमें आपको नेमिंग वर्ड्स फिल करनी है. तो चलिए, आपका फर्स्ट टेबल क्या है? पर्सन. इसमें आपको व्यक्ति के नाम लिखने हैं. तो जैसे इसमें फर्स्ट नेम लिखा है बॉय, तो अब हम इसमें सेकंड नेम क्या लिखेंगे? बताइए, क्या लिखेंगे? गर्ल. क्या लिखेंगे? गर्ल. और क्या लिखेंगे इसमें? बताइए, टीचर. क्या लिखेंगे? टीचर. और बताइए, क्या लिखेंगे? फादर. क्या लिखेंगे? फादर. ऐसे ही इसमें हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे? मदर. क्या लिखेंगे? मदर. और बताइए, क्या लिखेंगे? डॉटर. क्या लिखेंगे? डॉटर. डी ए यू जी एच टी ई आर. क्या है? डी ए यू जी एच टी ई आर, डॉटर. इसकी दूसरी टेबल क्या है? प्लेस. क्या है? प्लेस मीन्स स्थान. तो स्थान में हम क्या क्या फिल करेंगे? देखिए, इसमें फर्स्ट नंबर पर दिया गया है गार्डन, तो अब हम क्या लिखेंगे? विलेज. क्या लिखेंगे? विलेज. वी आई डबल एल ए जी ई, विलेज. फिर क्या लिखेंगे? बैंक, बी ए एन के. क्या है? बैंक. बैंक में हम पैसा जमा भी करते हैं और निकालते भी हैं. थर्ड हमारा क्या होगा? टेम्पल, टी ई एम पी एल ई, टेम्पल. टेम्पल में हम क्या करते हैं? पूजा करते हैं ना. फोर्थ क्या है? पार्क. क्या है? पार्क, जहाँ पर हम खेलते हैं. और फिफ्थ क्या है? पोस्ट ऑफिस. क्या है? पोस्ट ऑफिस, जहाँ से हम लेटर सेंड करते हैं. क्या करते हैं? लेटर सेंड करते हैं. आपकी थर्ड टेबल है एनिमल. क्या है? एनिमल. इसमें जानवरों के नेम लिखने हैं. जैसे इसमें फर्स्ट नेम लिखा है लॉयन, तो ऐसे ही आप इसमें लिख सकते हैं कैट, डॉग, टाइगर, गॉड, हैन. है ना? आपको तो एनिमल नेम आते हैं ना. आपको फोर्थ टेबल दी गई है थिंग. इसमें क्या है? फ्लावर. क्या है? फ्लावर. तो अब हम इसमें क्या क्या लिख सकते हैं? कप, प्लेट, टेबल, फैन, डस्टर, एक्सेट्रा. आपको जो भी समझ में आए थिंग्स में आप वो लिख सकते हैं. जो किसी वस्तु को इंडिकेट करे उसको इसमें हम लिख सकते हैं. तो बच्चों, आपका आज का होमवर्क है, आपको इसमें एनिमल एंड थिंग्स को फिल करना है. क्या करना है? एनिमल और थिंग्स को फिल करना है. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी. कल हम फिर से मिलेंगे. गुड बाय.